इस महीने की शुरुआत से ही कानपुर चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा, पहले विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर, और अब कानपुर में एक और मामला देखने को मिल रहा है। एक बहन अपने भाई की खोज में है और बार बार पुलिस पर आरोप लगाती हैं और फिर अपने बयान से पलट जाती हैं। एक बार फिर अपने बयान से पलटी है अगवा युवक की बहन। अगवा युवक की बहन का 24 घंटे में दूसरा यूटर्न देखने को मिला। युवती ने कहा पुलिस के दबाव में बयान बदला है। एसओजी टीम प्रभारी दिनेश यादव पर दबाव डालने का आरोप भी लगाया है। भाई के लौटने के बाद मीडिया के सामने रखूंगी सारे सबूत, ये बहन का कहना है। टीम आई थी हमारे घर में जो क्राइम ब्रांच की लगाई गई है, उन्होंने कहा रुचि अगर आप ऐसी बात बोलोगे कि मेरा पैसा पहुंच गया है, वो खिसिया गया तो आपके भाई को कुछ कर दिया तो आपको क्या चाहिए, ये सब चाहिए शो करना है आपको कि आपको आपका भाई चाहिए। तो मैंने कहा मुझे मेरा भाई चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, तो जो हम कैसे जो हम बोल रहे हैं ऐसा ही बोलना, समझ रही हो ना। तो मैंने कहा ठीक है बोल देंगे, मुझे मेरे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं। नाम जानती हैं? राजेश सर, दिनेश सर, दिनेश सर आए थे। दिनेश सिपाही थे, दरोगा थे? नहीं, दिनेश क्राइम ब्रांच वाले हैं जी। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोलने के लिए कहा? जी, उन्होंने ऐसा बोलने के लिए कहा। फिर उन्होंने वीडियो जो कुछ भी बनाया मोबाइल से, उन्होंने बनाया कि आप ऐसा बोल दीजिए तो हमारे लिए, नहीं तो तुम्हारे भाई के लिए खतरा हो जाएगा। तो मैंने ये, मुझे मेरा भाई प्यारा है। अच्छा, पुलिस से कहने पे आपने ये बोला था जी। अच्छा, पैसे गए थे क्या, इस बात में कुछ बोलना चाहेंगे? पैसे घर से गए थे जी? पैसे गए थे, कितने गए थे, कितने नहीं गए थे। जिस दिन पुलिस मेरा भाई लेके आ जाएगी, हम सारे प्रूफ दिखा देंगे कि आप लोगों को, मैं सारी मीडिया को बुला के दिखा दूंगी कि मैंने कैसे अरेंज किया, क्या नहीं किया, मैं सारे प्रूफ दे दूंगी। बस पुलिस से अभी मुझे यही उम्मीद है, क्राइम ब्रांच से मुझे यही उम्मीद है कि अभी मुझे मेरा भाई ला के दें। कप्तान सर ने मुझे दिलासा दिया है कि मैं 4 दिन में आपका भाई ला के दूंगी, तो मुझे मेरा भाई चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए।